हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर, जिंदे फैमिली ब्लॉग से आप सब का स्वागत है। आज मैं थोड़े वास्ते लेके आई हाँ अपना कि मशरूम मलाई तड़का। ये भी बहुत इजी रेसिपी है। अज मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी ते मैं सोचा कि की कराँ, तो फिर मैं ज्ञानी जी ने कहा कि चलो लेके आ गए हो मशरूम। ए मशरूम के दो पैकेट सी ते दे च पांच छे सात अठ ही पीस होंदे ने, ते एने क मैं अपना दो पैकेट करके मैं कट लिते ने। हुण ऐ देखो मैं अपना समान लिया, मलाई बटर, ए मैं तेल एक कड़छी लिता है, ते ए मेरे मसाले ने, ए मैं गर्म मसाला लिता है, ए मैं किचन किंग के लिता है, दोनों ही MDH देने, जीरा नमक और मिर्चा, लाल मिर्चा एवरेज का तिखा लाल, ते ऐ है गया हल्दी। ते दोबारा रिपीट कर रही है मैं, ए देख लो नमक, गरम मसाला, मेरा फेवरेट किचन किंग, ए तेल, एक कड़छी, छोटी कड़छी हैगी है, ऐसे च क्वांटिटी का पता लग जाता है कि किन्ना। इस करके मैं अज इस तरीके नाल दिखाया है कि तुहानू अच्छी तरीके नाल समझ आ जाए कि मैं किस तरह लिता है। ए मैं मशरूम मलाई तड़का जिहड़ा बना रही हाँ, तो यह सिर्फ दो लोगों वास्ते हैगा है, तो क्योंकि छोटे छोटे पैकेट आते हैं उस बड़ी मुश्किल ना पाँच या छे मशरूम होंगे ने टोटल, यानी कि 12-13 मशरूम हो गए। तो ये वास्ते मैं अपना प्याज लिते सी दो ही टमाटर, तो अपनी पांच छे हरिया मिर्चा, तो धनिया मिल गया से अज मार्केट तो, धनिया ले लिता सी, तो मैं क्या चलो धनिया भी पा लिता जाए। तो यह देख लो मेरा सारा समान, ताकि अच्छी तरीके नाल तुहानू समझ आ जाए मेरी रेसिपी बनन। ए देखो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, ए मैं तेल पा दाँगी, तेल गर्म होंदे ही ए मैं पा दाँगी जीरा, ऐ मैं एक चम्मच जीरा पाया जीरा तड़क जाएगा तो फिर मैं इस प्याज ऐड कर दाँगी। यह देख लो मेरा जीरा तड़क चुका है, इन्हें मैं हल्का जहा हिला के अच्छे तरीके नाल थोड़ा जहा कर लाँगी फ्राई। यह देखो मैं अपना प्याज ते हरिया मिर्चा ऐड कर दाँगी। यह रेसिपी से ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बिल्कुल हैगी है, हर कोई आसानी नाल बना लेगा इन्हें, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी रेसिपी लेके आवां सब आसानी नाल बना लन, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कोई समान मिलता है कोई नहीं मिलता, तो इस करके ज़्यादातर ईजी ही रेसिपीज़ मैं लेके आ रही हूँ कि जिहड़ा साढ़े घर समान हुंदा है असी उन्हां समान दे नाल ही असी घर च अपने खान दी चीज़ बना सकते हैं। अज मेरा मन नहीं कर रहा सी, लेकिन फिर भी मैं क्या चलो बना ही लैंदे हैं, तो फिर ज्ञानी जी ने कहा कि वह अपना आंदे ड्यूटी तो आंदे समय सब्जी लैके आ गए सी आई मशरूम, तो मैं क्या चलो आई बना लो, नहीं तो मेरा अज मन भी नहीं सी कुछ, तो फिर मन कर गया चलो बना लैनी हाँ। ए देखो मेरे प्याज भुन रहे ने, तो यह जो प्याज है तुम्हें लग रहा होगा कि मसाला अच्छी तरीके प्याज अच्छी तरीके नहीं पुजते, लेकिन यह प्याज है थोड़े वाइट वाले जो न्यू वाले प्याज होंगे ने, वो ने एक लाल प्याज होंगे ने, वह प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इस करके प्याज इस तरह के ही दिखते हैं, जिन्ना मर्जी भुन लो तुम्हें इस तरह के ही दिखेंगे, इन्हां च कलर नहीं आता। यह देखो मैं एक चम्मच नमक पा रही हूँ, तो अपने तुसी टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक पा सकते हो जिस तरह जिन्ना तुसी खाते हो। देखो मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ, तो मैं एक चम्मच तो थोड़ा घट मैं हल्दी पा दाँगी, मेरा छोटा चम्मच है, तो हूँ मैं पा दाँगी अपना एवरेज तिखा लाल मिर्चा, यह भी अद्धा चम्मच, ए किचन किंग यह भी अद्धा चम्मच, तो गरम मसाला चौथाई चम्मच, ए देखो
बस मेरे मसाले पै चुके ने, हुण मैं इन्हां नूं थोड़ा जिहा मिक्स कर लाँगी जिहदे नाल कि इन्हां च कलर आ जाए, क्योंकि इस तरह ही मसाले च तुसीं प्याज़ां दे विच पहले मसा अपना हल्दी नमक मिर्च पा दोगे तो मसाले रल जाणगे और इहदा सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाता इहदे नाल। तो यह मैं टमाटर ऐड कर रही हाँ, देखो हुण मैं अपने टमाटर भुन लाँगी चंगी तरीके नाल। इहदे च मैं थोड़ा जिहा इहदे च भी मैं पानी ऐड कराँगी जिहदे नाल मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाणगे। और कई बार इस तरह होंदा है कि टमाटर इस तरह के आ जाते हैं सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन मैनू ज़्यादातर सब्जी च देसी टमाटर पसंद है, देसी टमाटर जल्दी घुल जाते हैं। यह देखो मैं पानी पाया सी ते हुण मेरे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, इन्हें मैं मिक्स कर दाँगी। यह तड़के दे विच एक मेरी ट्रिक हैगी है, जो तड़का भुनता है तुसीं इहदे च भुनते समय धनिया मिक्स कर दो, तो धनिए का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता। अगर तुहानू ऑप्शनल है, अगर तुहानू धनिए का टेस्ट अच्छा लगता है हरे धनिए का, तो फिर तुसीं इस तरीके नाल पा सकते हो, सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इहदे नाल इह हुंदा है कि इहदा सारा फ्लेवर धनिए का सब्जी इहदे तड़के च आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखो मेरा तड़का हुण मिक्स करीब करीब बन चुका है। अजकल बहुत गर्मी हो रही है, किचन च खड़े होना बड़ा मुश्किल होना है, फिर मैं अज मेरा बिल्कुल मन नहीं सी, लेकिन मैं फिर भी सोचा चलो वीडियो शूट कर लैनी हाँ कि तुसीं तुहाडे वास्ते मैं एक न्यू रेसिपी, मेरे को रेसिपीज की भरमार हैगी है। तो जिस तरह मेरा चैनल चलता जाएगा, जिस तरह व्यूज़ बढ़नगे, उस तरह तुहानू नवी नवी रेसिपीज तुहानू देखने मिलनगियाँ। और तुसीं मैनू सजेस्ट भी कर सकते हो जो चीज़ तुहानू सीखनी है, मेरे तो बनवानी है कि देखना चाहते हो तुसीं, तो मैं बनाया। हूँ देखो मैं अपने मशरूम मसाले च ऐड कर दिते ने, तो यह ज़्यादा देर इन्हों बड़ी मुश्किल नाल 5-6 मिनट लगते हैं, तो बन जा बहुत जल्दी बनते हैं। तो यह देखो मेरे मशरूम मिक्स होने सारी, ए मैं कराँगी मलाई ऐड। मलाई मैं 2 या 3 चम्मच ही लीती है, ए थोड़ा पानी पा रही है मैं, ताकि थोड़ा जा ग्रेवी ग्रेवी टाइप बन जाए। तो असी 2 ही जने इस करके सोचते हैं कि बनाइए, टेंशन होंदी है 2 जनिया वास्ते भी। तो कई बार सब्जी इस तरह होंदा है कि ज़्यादा बन जाती है, दाल तो हमेशा मेरे को ज़्यादा बनती है, मैं बहुत नाप तोल के बनाती हूँ, फिर भी दाल बचती बचती है मेरी। तो सब्जी वगैरह तो मेरी ख़त्म हो जाती है, हूँ रात ही चलेगी, तो ज़्यादा थोड़ी जी सवेर वास्ते नाश्ते वास्ते बच जाएगी सब्जी है। तो 2 बंदियां वास्ते इन्नी ही सब्जी बहुत होंदी है। देखो मैं पा रही हाँ मलाई, 2 या 3 चम्मच मलाई है। तो यह मशरूम मलाई तड़का है, तो इस करके ये मलाई बहुत जरूरी है पानी। यह मेरी फ्रेश मलाई है, मैं फ्रेश मलाई के नाल ही पानी अपना यूज कर दी हाँ। देखो ये मैं थोड़ा पानी मिक्स कर दाँगी कौली च, ताकि जी लगी हुई है मलाई वह भी विच पै जाए, वेस्ट ना जाए साड़ी मलाई। इनू बस ये 2 मिनट लगन गए हूँ पक्कन लगे, तो साड़ी सब्जी एकदम तैयार जल्दी और एकदम जल्दी बन जाती है सब्जी। तो कभी भी अगर तुहानू लग रहा है कि साडे कोल टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, तुसी बस इस तरह फटाफट अपना प्याज कड्डो, मशरूम अपने मार्केट तो तुसी ले आओ, तो बस इन्ना को तुसी मसाले पा लो। अगर किचन किंग नहीं है, गर्म मसाला होएगा तो यही तुसी यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं है। हुण देखो यह धनिया, यह स्पेशल ट्रिक हैगी है मेरी, धनिया मैं कभी भी लास्ट नहीं पाती, क्योंकि धनिए का जो टेस्ट और फ्लेवर होंदा है ना, वो इस टाइम पर ही आता है कि तुसी सब्जी बनते बनते ही धनिया मिक्स कर दो, तो धनिया अंदर एक तो पक जाता है, दूसरी गल कि इहदा फ्लेवर इन्ना यूनिक आता है ना, कसम नाल तुसी ट्राई करके देखो, तुसी याद करोगे कि मैं तुहानू बहुत अच्छी ट्रिक दसी है। तो ये सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर इन्ना अच्छा हो जाता है कि तुसी बिलीव नहीं करोगे, बहुत टेस्टी हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट लगन गए, देखो हूँ मेरा तैयार हो चुके सब्जी। देखो हूँ मैं गैस ऑफ कर दाँगी अपना,
और देखो जरा मेरी सब्जी का कलर मलाई पान तो बाद कितना प्यारा आया है। और एक खांची इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि तुसी ऐ कहोगे कि मैं रोज़ ही यह सब्जी बना के खावा मशरूम की। तो हुण सर्दियाँ जिस तरह आ जाणगियां, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा वो हैगा सब्जियां के ऑप्शन हैगे ने, तो तद तुहाडे वास्ते मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लैके आवांगी फ्रेश सब्जियां। फ्रोजन मैं यूज़ नहीं करती, सब्जियां मैनू पसंद नहीं है फ्रोजन चीज़ा, तो इस करके फिलहाल हले कुछ माहौल भी इस तरह करोना टाइम चल रहा है, तो इस करके थोड़ा जा इस तरीके ना हो गया। देखो मेरी सब्जी डन हो चुकी है, बिल्कुल बन के तैयार खाने वास्ते। तुसी इनू अपना पराठे नाल, रोटी नाल, नान नाल तुसी खा सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगती है। देखो सब्जी मेरी बिल्कुल बनके एकदम तैयार हो चुकी है। कलर देखो सब्जी का कितना प्यारा आया है मेरे से, और इस तरह लगेगी जिस तरह तुसी रेस्टोरेंट तो मंगा के खाई है, रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम सब्जी बनती है, बिल्कुल सिंपल सोबर। इस कोई ज़्यादा मैं कोई वो नहीं किया हुआ,